Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu, only at TAC TV. आठ माह में 19 मिलियन के करीब कैनेडियंस डाटा हैक होने से मुतासर। मार्क नॉर्मन के हवाले से किए जाने वाले फैसले पर कोई अफसोस नहीं, जनरल जोनाथन बेंस। 2000 के करीब कैनेडियन समंदरी तूफान से मुतासर रियासतों में मौजूद। ईरान ने अमेरिका के साथ दो तरफा मुजाकरात का इम्कान रद्द कर दिया। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में साहिल पर कश्ती में आग लगने से 25 अफराद हलाक। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। Are you concerned about your future? We invite you to consider Option Canada. I'm a former Canadian Immigration Officer and a senior case analyst, and I've served the Canadian government for 16 years. I provide accurate assessment on every case, and I'll be happy to assist you in making Canada your home. For the past 26 years, we have assisted professionals, business people, senior managers, and the self-employed worldwide to relocate to Canada. We can help you and loved ones back home live the Canadian dream. Do it once. Do it right. एरिया एनक्लेव के एन वस्त में मदीना मॉल एंड रेजिडेंसी, मरगला के पहाड़ों के हसीन व्यू लिए वर्ल्ड क्लास बेहतरीन फैसिलिटीज और एमिनिटीज के साथ, दो और तीन बेडरूम के सुपर लग्जरी लाइफस्टाइल अपार्टमेंट और शॉपिंग मॉल, हर अपार्टमेंट विला जैसा रोशन और कुशादा। बुकिंग और तफसीलात के लिए अभी कॉल करें। मैं अपने ओवरसीज पाकिस्तानी बहनों और भाइयों के लिए ला रहा हूँ एक शानदार प्रोजेक्ट, मदीना मॉल एंड रेजिडेंसी। तफसीलात के लिए राबता कीजिए शराज बदर 519-807-8771, ईमेल कीजिए shiraz@propertybrothers.com। आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर वैद्य हरीश वर्मा से अपनी सेहत को ठीक रखने या किसी भी पुरानी बीमारी या रोग के बारे सलाह लें 416-804-1500, 416-804-1500, 2250 बुवेट ड्राइव ईस्ट, यूनिट 601, ब्रैम्पटन। आयुर्वेद दुनिया का सबसे प्राचीन मेडिकल सिस्टम है। घुटनों का दर्द यानी आर्थराइटिस, डायबिटीज, कोलाइटिस या फिर त्वचा के रोग जैसे सफेद दाग यानी वटीलेगो, सोराइसिस, एक्जिमा आदि का आयुर्वेद में कैसे होता है इलाज, देखें कनाडा के जाने माने आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर वैद्य हरीश वर्मा के साथ। हेल्थ जरूरी है। वैद्य हरीश वर्मा के शो हेल्थ जरूरी है को टीवी चैनलों और यूट्यूब पर देखें और उनसे राब्ता करें 416-804-1500, 416-804-1500। एक अंदाजे के मुताबिक आठ माह में 19 मिलियन के करीब कैनेडियंस डाटा लीक या चोरी होने से मुतासर हुए हैं। प्राइवेसी कमिश्नर के दफ्तर में 446 के करीब डाटा हैक के हवाले से शिकायत मौसूल हुई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। एक अंदाजे के मुताबिक आठ माह में 19 मिलियन के करीब कैनेडियंस डाटा लीक या चोरी होने से मुतासर हुए हैं। प्राइवेसी कमिश्नर के दफ्तर में 446 के करीब डाटा हैक के हवाले से शिकायत मौसूल हुई, जिनमें मुतासर अफराद जाती मालूमात की चोरी, माली जराइम और दीगर किस्म की खिलाफ वर्जियों का शिकार हुए। इस रिपोर्ट के मुताबिक डाटा हैकिंग से मुतासरा कैनेडियन की तादाद में इजाफा हुआ, तहम तखमीने में ये शामिल नहीं है कि मुतासर अफराद में से कितने अपने डाटा को भूल जाते हैं या गलत बयान ही करते हैं। माहरीन का कहना है कि कनाडा में होने वाले विफाकी इंतखाबात के हवाले से ये सूरत हाल शदीद तशवीशनाक है। जहाँ सियासी जमातें वोटर्स की मालूमात जमा करने में मसरूफ है, वहीं उस बात का ख्याल रखना भी जरूरी है कि वोटर्स के पर्सनल डाटा के गलत इस्तेमाल से किस तरह बचा जा सके। कनाडा के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल जोनाथन बेंस का कहना है कि उन्हें नॉर्मन, जिन्हें काबीना के राज लीक किए जाने पर मौतल किया गया था, उनके हवाले से किए जाने वाले अपने फैसले पर कोई अफसोस नहीं है।
मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल जोनाथन वेंस का कहना है कि उन्हें मार्क नॉर्मन, जिन्हें काबीना के राज लीक किए जाने पर मुअत्तल किया गया था, उनके हवाले से किए जाने वाले अपने फैसले पर कोई अफसोस नहीं है। कनाडा के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल जोनाथन वेंस ने मार्क नॉर्मन का 2017 में उस वक्त मुअत्तल कर दिया था जब रॉयल कैनेडियन मिलिट्री पुलिस ने तहकीकात के सिलसिले में उनके घर पर छापा मारा था। मुकामी मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में वेंस का कहना था कि मार्क नॉर्मन में मिलने वाली मालूमात की रोशनी में मैंने बेहतरीन फैसले किए। उनका कहना था उन्हें अपने किए पर किसी किस्म का अफसोस नहीं है। जनरल वेंस का कहना था कि मार्क नॉर्मन का केस इंतहाई पेचीदा और मुश्किल था। उनका कहना था कि मैं किसी ऐसे शख्स को नहीं जानता जो उनके अच्छे, खुशगवार और सेहतमंद रिटायरमेंट की ख्वाहिश न रखता हो, और मैं उनमें से एक हूँ। तकरीबन 2000 के करीब कैनेडियन इन रियासतों में मौजूद हैं जो समंदरी तूफान ड्रोयान की जद में हैं, जबकि फ्लोरिडा उन मकामात में से एक अहम मुकाम है। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। तकरीबन 2000 के करीब कैनेडियन उन रियासतों में मौजूद हैं जो समंदरी तूफान ड्रोयान की जद में हैं, जबकि फ्लोरिडा उन मकामात में से एक अहम मुकाम है। बैरून मुल्क कैनेडियनों की रजाकाराना रजिस्ट्रेशन पर मबनी हुकूमती अदादोशुमार से जाहिर होता है कि फ्लोरिडा में फिलहाल 1,161 कैनेडियन रजिस्टर्ड हैं। बहामास में 224, जॉर्जिया में 286, नॉर्थ कैरोलिना में 197, जबकि साउथ कैरोलिना में 58 कैनेडियन रजिस्टर्ड हैं। कनाडा की हुकूमत की जानिब से समुद्री तूफान की निगरानी की जा रही है ताकि सूरत हाल बेहतर होते ही वहां से अपने शहरियों को निकालने का अमल शुरू किया जा सके। वाज़ेह रहे कि फराहम किए जाने वाले अदादोशुमार रजाकाराना तौर पर रजिस्ट्रेशन के नतीजे में फराहम किए गए हैं, जबकि अदादोशुमार हतमी नहीं है। खबर शामिल करेंगे, आपको बताएं ईरानी सदर हसन रूहानी ने पार्लियामेंट में खिताब में कहा है की ईरान ने अमरीका के साथ मुज़ाकरात से मुतालिक कोई फैसला नहीं किया, मुज़ाकरात के लिए बहुत सी पेशकश है, ईरान का जवाब हमेशा नहीं में होगा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ईरान ने अमरीका के साथ दो तरफा मुज़ाकरात का इम्कान रद्द कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी सदर हसन रूहानी ने पार्लियामेंट में खिताब में कहा कि ईरान ने अमरीका के साथ मुज़ाकरात से मुतालिक कोई फैसला नहीं किया, मुज़ाकरात के लिए बहुत सी पेशकश है, ईरान का जवाब हमेशा नहीं में होगा। ईरानी सदर हसन रूहानी का कहना था कि अगर अमरीका ईरान पर आयद पाबंदियाँ उठा ले तो जौहरी डील के फरकीन के साथ मुज़ाकरात में शामिल हो सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि जौहरी डील के दीगर फरकीन के साथ मुज़ाकरात जारी है, जुमेरात तक नतीजा ना निकला तो डील की मजीद शकों पर अमल दरामद में कमी का ऐलान कर देंगे। कुछ बात करेंगे, अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के साहिल पर एक कश्ती में आग लगने से 25 अफराद हलाक हो गए, जबकि दीगर मुसाफरों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के साहिल पर एक कश्ती में आग लगने से 25 अफराद हलाक हो गए। अमरीकी कोस्ट गार्ड के मुताबिक कैलिफोर्निया के साहिल पर कश्ती पर आग गुज़िश्ता रोज उस वक्त लगी जब वो सांता क्रूज जजीरे से चंद मीटर के फासले पर लंगर अंदाज हुई थी। आग लगने के वक्त कश्ती में 33 मुसाफिर और अमले के 6 अरकान सवार थे। अमरीकी हुकाम के मुताबिक आतिशबाजी के बायस कश्ती तबाह हो चुकी है। हादसे में 25 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि दीगर मुसाफिरों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इसी के साथ ही टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैक टीवी। डेली कैनेडियन न्यूज बुलेटिन इन हिंदी एंड उर्दू ओनली एट टैक टीवी।